कोई चीज नहीं है। हत्या बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार घट रही है, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद ब्रिजलाल खाबरी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों और संगठन की गतिविधियों का जायजा लेने के लिए जरपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर विधानसभा में प्रथम आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ब्रिजलाल खाबरी का जौनपुर में मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी व शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर प्रमोद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सुजानगंज ब्लॉक अध्यक्ष शेर बहादुर सिंह व नगर अध्यक्ष हाजी शहजादी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों, न्याय पंचायत अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ब्रिजलाल ने कहा कि नगर निकाय चुनाव नजदीक है। निकाय चुनाव में कांग्रेस जाति धर्म के बंधन को तोड़ते हुए सभी को साथ लेकर पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में विजय का पताका फहराएगी। उन्होंने कहा कि राहुल की भारत छोड़ो यात्रा का असर जनता में दिखने लगा है। आने वाला समय कांग्रेस का है। पूरे प्रदेश में डेंगू का कहर व्याप्त है। भाजपा सरकार आंखें बंद किए बैठी है। सरकार के पास ना तो डेंगू जैसी महामारी से निपटने के लिए व्यवस्था है ना बजट। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम सीमा पर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं है। हत्या बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार घट रही हैं। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने 7 साल कार्य नहीं किया वो 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। जिन्होंने 70 साल बनाया वो 7 साल में बर्बाद कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 7 साल में बड़ा बड़ा हिस्सा बेच डाला है। मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद के सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में नफरत एवं विघटन की राजनीति की जा रही है। एक तरफ जनता जहां महंगाई एवं बेरोजगारी का दंश झेल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पूंजीपति मित्रों का करोड़ों का कर्ज माफ कर रही है। आज हमारे नेता राहुल गांधी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है उसका उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनने व भविष्य में दूर करने के लिए है। हमारे सामने आने वाले समय में निकाय चुनाव है, ऐसे में हमें अपने नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मूल उद्देश्य को लोगों में घर घर पहुंचाने तथा एकजुट होकर युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारियों में लगने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकती है। उक्त अवसर पर प्रमुख रूप से मल्हनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राकेश मिश्रा मंगला, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सोनकर, ललित चौरसिया, आनंद सिंह, मनोज गौतम, राहुल यादव, अभिषेक, आशु उपाध्याय, संतलाल पटेल, नीरज सरोज, कृपा शंकर पटेल, अशोक पटेल, लल्लन दुबे, राजेश तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। पेश है सबके नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ SS पांडे की खास रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव और नगर पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आगामी? उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव कांग्रेस पूरी दम हमसे लड़ेगी और रिजल्ट ये दिखाएगा कि भाजपा को हम कितना नीचे ला सकते। विधानसभा चुनाव में आपने इतना आपने निकाय चुनाव की तैयारी है, इसमें कैसे करें? जो काम सामने मिला है उसकी चर्चा करेंगे, पीछे क्या हुआ अगर उसमें जाएंगे तो बात करेंगे। 70 साल का हिसाब मांगते हैं, जिन्होंने 70 दिन काम नहीं किया वो 70 साल का हिसाब मांगते हैं। जिन्होंने इस देश को 70 साल में बनाया उनके 70 साल की मेहनत 7 साल में इन्होंने बर्बाद कर दी है। देश का बड़ा बड़ा हिस्सा बेच डाला है, अब उसमें क्या चर्चा करनी है? सारा देश जान गया है कि भाजपा ने 7 सालों में हमारे देश का कितना नुकसान किया, कहाँ तक बेच डाला है। ना कहीं अमन चैन है, नफरत भरी पड़ी हुई है हर जगह, महंगाई, बेरोजगारी, हत्याएं, बलात्कार, इससे रोज सुबह के अखबार भरे पड़े हैं और क्या देखें बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर और मैं हूं SS पांडे। आज कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रिजलाल खाबरी साहब,
दौरे पे हैं, निकाय चुनाव और नगर पंचायत चुनाव को लेकर के दौरे पे हैं, तमाम जगह दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुगराबाद शाहपुर में भी आपने दौरा किया, इलाहाबाद की तरफ प्रयागराज की मार्ग की तरफ जा रहे हैं। सराठी मोड़ पर प्रमोद सिंह जो कांग्रेस पार्टी विधानसभा के मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं, अपने तमाम सैकड़ों समर्थकों के साथ आपने स्वागत उनका किया। आइए बात करते हैं जी प्रमोद जी, आज आपने स्वागत किया, जबरदस्त स्वागत किया है। निकाय चुनाव को सफल बनाना, विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने परचम नहीं लहरा पाया, अब निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, क्या उम्मीद है? उम्मीद बहुत है, बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो चुका है और कांग्रेस उसका विकल्प है, कांग्रेस कराएगा निकाय चुनाव, हमारी जीत होगी यही उम्मीद है मेरी, हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे जी। मंगला गुरु जी, आप भी चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, तो क्या लग रहा है इस बार निकाय चुनाव में? निकाय चुनाव में हम पूर्ण सफलता पाने लगाते हैं, क्योंकि जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष अभी जो है बनाए गए हैं ये बड़े ही कर्मठी हैं और जनता के बीच और कार्यकर्ता के घर घर जाकर के संपर्क कर रहे हैं, इसका बड़ा प्रतिफल अच्छा मिलने जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार नगर चुनाव में कांग्रेस मजबूती इस बार होगी। आपका शुभ नाम? तो आज आप लोगों ने स्वागत किया अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, और निकाय चुनाव को जैसा बता रहे हैं मंगला गुरु जी बता रहे हैं, प्रमोद सिंह जी बता रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि इस बार निकाय चुनाव की बड़ी मजबूती के साथ तैयारी है, तो क्या तैयारी? देखिए प्रदेश के अंदर जो नगर निकाय नगर पालिका नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी उसमें हर वार्ड से लेकर के नगर पालिका नगर परिषद नगर पंचायत तक हम लोग मेयर का चुनाव बहुत दमदारी से लड़ेंगे। और जैसा कि इस प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई महंगाई, और आप देख रहे होंगे कि डेंगू का प्रकोप चल रहा है, कहीं पे भी कोई नगर में कोई दवा का छिड़काव नहीं है, मच्छर के काटने के नाते लोग डेंगू से परेशान हैं, और हम लोग बहुत ही दमदारी से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। आप भी स्वागत किए हैं जी, निकाय चुनाव की तैयारी में लग गए जी? हम लोग अब जमीन से शुरू कर रहे हैं, और जो अभी आप कह रहे हैं मुद्दा क्या होगा, बेरोजगारी और महंगाई मेन मुद्दा है, नौजवान लोग भटक रहे हैं, सड़क पर टहल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मेन मुद्दा नौजवानों को लेकर के है और महंगाई जी। अभी आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी कमर कस लिए हैं निकाय चुनाव को लेकर के, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि मेयर का चुनाव हो, चाहे वो चेयरमैन का चुनाव हो, चाहे वो जैसा भी चुनाव निकाय का जो भी चुनाव हो, सभासद का चुनाव हो, सब में दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा महंगाई और जो विकास का मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा किया है और आपके सामने क्या है। अभी जैसा मछली शहर के पदाधिकारी ने कहा कि यहाँ पर डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, दवा का छिड़काव भी नहीं हुआ, प्रमोद सिंह ने भी कहा कि हमारा जो विकास का मुद्दा होगा, विकास के मुद्दे को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और निकाय चुनाव को जीत करके ही दम लेंगे। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ महसूस पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ एथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।